आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है नेशनल पेंशन स्कीम। नमस्कार, मैं हूं ऋतु शर्मा, आप देख रहे हैं zivis.com। और जैसा कि नेशनल पेंशन स्कीम के नाम में ही पेंशन है, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम है क्या। तो जो नेशनल पेंशन स्कीम है, इसकी शुरुआत साल 2004 में सरकारी कर्मचारी जो हैं उनके लिए की गई थी, लेकिन साल 2009 में इसे सभी लोगों के लिए, सभी कर्मचारियों के लिए खोल दिया गया। चाहे वह सरकारी नौकरी में हो या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वो अपनी नौकरी के दौरान इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। जो NPS है, सबसे पहले तो ये PFRDA यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। यहाँ पर 18 से 65 साल का कोई भी व्यक्ति निवेश करना शुरू कर सकता है। मिनिमम बैलेंस की बात की जाए तो टीयर 1 में 500 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और टीयर 2 में 250 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है। कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट टीयर 2 में नहीं होती है। आमतौर पर नेशनल पेंशन स्कीम से आप तीन कारणों से पैसा निकाल सकते हैं। एक तो रिटायरमेंट के बाद, दूसरा जो इन्वेस्टर है उनकी मृत्यु हो जाने पर भी पैसा निकाला जा सकता है, तीसरा है मैच्योरिटी के पहले अगर किसी तरह की जरूरत है तो भी आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। सरकार ने इस स्कीम को और भी अट्रैक्टिव बनाया। पहले तो आप इसमें से 10 साल बाद पैसा निकाल सकते थे, लेकिन अब नौकरी के 3 साल बाद भी आप इस स्कीम में से पैसा निकाल सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि NPS में कौन कौन निवेश कर सकता है। तो इसमें राज्य सरकार के कर्मचारी, केंद्र सरकार के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और आम नागरिक भी इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। अब ये जो NPS अकाउंट है, ये 2 तरह के होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 जो अकाउंट है, ये तो पेंशन स्कीम की तरह काम करता है, तो यहाँ पर आप 60 साल से पहले जो अपना पैसा है वो नहीं निकाल सकते। लेकिन जो टीयर 2 है, वो सेविंग्स अकाउंट की तरह काम करता है, तो जरूरत पड़ने पर आप यहाँ से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम में आपको 2 तरह के अकाउंट मिलते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 जो है वो प्राइमरी अकाउंट होता है, जो पेंशन और टैक्स बेनिफिट के लिए अहम है। वहीं टीयर 2 जो है वो एक वॉलंटरी अकाउंट होता है, इसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं। टीयर 1 अकाउंट खुलवाना जरूरी होता है। इस अकाउंट पर सब्सक्राइबर को पेंशन और टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। टीयर 2 अकाउंट वॉलंटरी होता है और इसमें आपकी मर्जी है, आप इसे खुलवाना चाहते हैं या नहीं। ये पूरी तरह से एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है। टीयर 2 अकाउंट पर आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। वहीं जो NPS का टीयर 2 अकाउंट है, वो एक लिक्विड अकाउंट भी होता है। सेविंग्स के नज़रिए से ये बेहतर है। इसमें आप कभी भी निवेश कर सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। इसमें आप चाहें तो एक दिन में जमा और निकासी भी कर सकते हैं। यानी टीयर 2 अकाउंट के जरिए आप लिक्विडिटी गोल प्लान आसानी से कर सकते हैं। अब जान लेते हैं NPS के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि इसमें आपको लॉन्ग टर्म हाई रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं, जो आपके बाकी इन्वेस्टमेंट प्लान है, जैसे कि EPF हो गया या FD हो गया, उसके मुकाबले आपको यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स देखने मिलते हैं। लेकिन ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपका रिस्क फैक्टर क्या है, आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। तो जो इक्विटी कंपोनेंट होता है वो यहाँ मिलता है, उसके कारण आपको यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। अब सेकंड बेनिफिट है टैक्स फ्री रिटर्न होना। जब आप इसमें अमाउंट जमा करना शुरू करते हैं तब भी, या फिर आपका कॉर्पस बन जाने के बाद जब आप लमसम अमाउंट निकालते हैं तब भी आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। तीसरा बेनिफिट इसमें यह है कि आपको टैक्स रिबेट देखने को मिलती है। जो ITR का सेक्शन 80C है, उसके तहत जो 1.5 लाख की छूट है, उसी के अंडर NPS भी आता है। तो आपको यहाँ पर 1.5 लाख का फायदा तो होता ही है, साथ ही साथ जब आप इसमें निवेश करते हैं तो आपको एडिशनल 50,000 का फायदा और दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल आपको 2 लाख रुपए का करीब इसमें फायदा हो जाता है। अब अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हैं तो भी आपको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता है, और आप अपनी जो सैलरी है उसका 10% तक इसमें निवेश कर सकते हैं। अब सबसे पहले NPS में अकाउंट खुलवाने की प्रोसेस को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इसकी ऑफलाइन प्रोसेस समझते हैं। तो ऑफलाइन अगर आप इसमें रजिस्टर कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको POP यानी कि पॉइंट ऑफ प्रेजेंस ढूंढना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जो है वो किसी तरह के बैंक भी हो सकते हैं। तो बैंक में जाकर के आपको फॉर्म लेना है, इस फॉर्म को भरना है और अपने KYC पेपर्स के साथ इसे सबमिट कर देना है। इसके बाद क्या होगा, आपको PRAN यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर रिसीव होगा। लेकिन ध्यान रखें कि इस प्रोसेस के बाद आपको थोड़ी सी कुछ प्रोसेसिंग फीस जो है वो जमा करनी होगी। अब इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया को समझ लेते हैं। अगर आप अपने खाते को पैन, मोबाइल या आधार नंबर से जोड़ते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर आई OTP के जरिए आप जो है इसका वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको PRAN नंबर है वो रिसीव हो जाएगा, जिसकी मदद से आप अपना अकाउंट आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट को लेकर कंफ्यूज हैं तो आप ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस जो ऑप्शन है उसमें से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑटो चॉइस का ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको फंड मैनेजर जो है वो आपके फंड को कैलकुलेट करके अपने आप सजेस्ट करेगा कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है इसमें ठीक रहेगा। और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर श्योर हैं तो आप एक्टिव चॉइस का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं।
उम्मीद है आपको इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। अन्य खबरों के लिए जी बिजनेस को सभी प्लेटफॉर्म से सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी अन्य जानकारी के लिए देखते रहें zbiz.com। नमस्कार।